हेलो, वेलकम टू स्टडी रहस्या। अज आपां क्वांट की नवी सीरीज स्टार्ट करन जा रहे हैं, जिदे विच आपां डेली क्वांट का सिंगल क्वेश्चन करया करांगे अटैम्प्ट, बट उहदा लैवल ईजी टू मोडरेट होगा। चलो अज का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। आपां इहदे विच की दित्ता होया, शॉपकीपर अर्न अ प्रोफिट इक्वल टू द कोस्ट प्राइज ऑफ अ सिक्स एटम वाइल सैलिंग 30 एटम टूगैदर। देखो प्रॉफिट किदे इक्वल टू हुंदा गा, सैलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो सब नूं पता ही होगा, बेसिक चीज है। इहदे विच आपां नूं की कहा, शॉपकीपर अर्न दा प्रॉफिट इक्वल टू कोस्ट प्राइस ऑफ सिक्स आइटम। चलो आपां जिहड़ी चीज कही आपां ओही लिखांगे। कहिंदे प्रॉफिट किन्ना है, 6 आर्टिकल दे बराबर। ठीक है, वाइल सैलिंग 30 आइटम टूगैदर, बेचिया किन्नियां नेगियां 30। जे 30 सेल कीतियां ने तां खरीदियां भी 30 होणगियां ना। देखो इहदे विच आपां कुछ नहीं कीता, जो इन्हां ने किया उही चीज लिखी है। हुण देखो आपां कोस्ट प्राइस ऑफ 6 आइटम और 30 सीपी इधर आ गया, 30 सैलिंग प्राइस। हुण इह किन्ना हो गया, 36 सीपी इज इक्वल टू 30 एस पी। इहदी रेशो किन्नी बन गई, सी पी बाय एस पी दी 30/36। ठीक है, तुहानू कट लांगे आपां, 6 × 30 छिकम छिकम 36। देखो हुण अपने कोल सी पी ते एस पी दी रेशो आ गई। रेशो दा मतलब की हुंदा है, भी जिहड़ी इह चीज 5 रुपए की चीज है, 5 रुपए की चीज आपां खरीदी है, बेच आपां किन्नी दे रहे हैं, 6 दी, मतलब प्रॉफिट किन्ना हो गया 20% दा। ठीक है, उन्होंने अगे की कहा, आपां नूं ईच आइटम इज मार्कड अप एट 25% अबव द कोस्ट प्राइस। ठीक है, वह कहिंदे ने जिहड़ा मार्कअप किया गा वह 25% किया ज़्यादा। 25% किन्ना हुंदा, 1/4। ठीक है, मतलब 4 to 5 करता, 4 की सीपी सी जो मार्केट अपन कोस्ट प्राइस की करा ना, आप कोई भी चीज सेल करते हैं तो सीपी तो जो सैलिंग प्राइस मार्केट प्राइस कितना हो गया 5। हूँ अपने को सीपी तो सेम चाहिए सी, इतने तो अलग अलग आ रही हैगी। ठीक है ना, तो आपको सेम बनाने के लिए की करा, जे आजू ए मल्टीप्लाई कर देंगे, आ 4 एना कर देंगे। क्यों करा, क्योंकि जो अपना यदा एलसीएम 20 बनाना, अपने इतने जी आ चीज इतने 20 बनाना, 20 किमें बनूंगा, तुम आप देखो 5 × 4 एलसीएम किन्ना 20 है, तो जो 4 नंबर ही 20 बनूंगा ना, तो जो 5 नंबर तो 20 बनूंगा इतने। तो हूँ जो आपने इतने मल्टीप्लाई करा तो ये मल्टीप्लाई करना पेगा। हूँ देखो तो 5 × 20 उपर कि 4 नंबर लिखो, 6 × 24 नीचे कि 5 × 5 = 25। ठीक है, अगे आपको की कहता, उन्हें कहें भी डिस्काउंट दिता 28 का एक आइटम के उत्ते, जोड़ा डिस्काउंट आप मार्केट प्राइस उपर दें ना, वो मार्केट प्राइस तो डिस्काउंट देता उन्होंने एक देता, मतलब जी एक यूनिट की वैल्यू है कि हैगी 28। हूँ आप जो मर्जी चीज़ कढ लो, मतलब सीपी भी कढ सकते हैं, आप सैलिंग प्राइस भी कढ सकते हैं, मार्केट प्राइस भी कढ सकते हैं। ठीक है, ये करना की है, सीपी कि अपने लगे 20, मार्केट प्राइस कि अपने लगे एक यूनिट की वैल्यू कि 28। ठीक है, सैलिंग प्राइस कि अपने लगे 24, एक यूनिट की वैल्यू कि कभी से आपने 28। ठीक है, मार्केट प्राइस कि 25, एक यूनिट की वैल्यू कि 28। हूँ अगे सू जी प्रॉब्लम आऊगी वह मल्टीप्लाई करने आऊगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों मल्टीप्लाई करने प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आती है कि देखो आप भी दस देने वे की है, जो आप लाए तो सिंपली मल्टीप्लाई सारे कर लेंगे 28 × 56। ठीक है, ये तो चलो होगी जी, आह की 25 × 28 यद तरीका की है। देखो 25 आप लिख सकते हैं 100/4, जो 4 आप 100 ना कट्टे तो 25 बन जाऊ ना, × 28 4 के टेबल 28 किन्ने देना 7। ठीक है, यह आ गया 700। यह मैं सू लिख के दिखाया ताकि समझ आ जाए, नहीं जो सू पता लग गया सीधा 1/4 करोगे वह 28 ना मल्टीप्लाई 28 का कैंसल हो जाएगा 4, तो 700 आंसर आ जाएगा। जोड़ा हूँ यह 24 तो 28 का मल्टीप्लाई है, ये किमें करा आप भी देख लो × 28
ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ 24 ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਉਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ 24 ਦੂਣਾ 48 ਠੀਕ ਹੈ 24 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 24 5 120 24 6 144 24 7 168 24 8 192 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 9 ਤੇ 8 17 1 ਪੈ ਗਿਆ ਅਸਲ 5 ਤੇ 1 6 672 ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 24 ਤੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 4 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ 4 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 2 ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਟਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ 24 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 26 26 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 2 ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ 2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ 4 2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ 26 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 676 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 672 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ